सीधी तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में। मेट्रो से सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाते हैं तो फिर सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उपलब्धियां रही है मेट्रो रेल से सफर कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मेट्रो के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह है, उसी में शामिल होने के लिए पीएम ने ये मेट्रो रेल का रूट चुना है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोगों की सहूलियत को ध्यान में पीएम की तरफ से रखा गया है और इसी वजह से आम लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या दिल्ली वालों को ना झेलनी पड़े, इसीलिए पीएम ने मेट्रो से सफर करना चुना है। ये पीएम की तस्वीर मेट्रो में सफर करते हुए और इस दौरान सहयात्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी चल रहा है। जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों से बात करना संवाद करना नहीं भूलते और ये छात्रों से संवाद चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी येलो लाइन मेट्रो की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाती है और जाहिर सी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली मेट्रो जो होगी उसमें ज्यादातर छात्र होंगे, तो वही इस वक्त मेट्रो के इस कंपार्टमेंट में नजर भी आ रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी चल रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मेट्रो रेल के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं रोमाना, उनका ये रहता है कि कम से कम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाए और लोगों को समस्या कम से कम हो, और इसी वजह से आप ये पहली बार नहीं है रोमाना, इससे पहले भी हमने कई मौकों पर देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे उदाहरण पेश किए। दिल्ली में भी 2 से 3 बार ऐसी स्थितियां आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कारकर छोड़कर मेट्रो की सवारी की, ये इससे पहले भी हो चुका। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही चुना है, उनका ऑलरेडी रूट लगा हुआ था लेकिन वो मेट्रो में बैठे। आप देखें अगर तस्वीरें जो देखें तस्वीरों में किस तरह से वो आम जो यात्री हैं, स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कुछ तस्वीरें और सामने आएगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से जब प्रधानमंत्री किसी रूट से निकलते हैं तो वो रूट कभी बताया नहीं जाता आमतौर पर, क्योंकि वो एक सेफ रूट लेके चलती है एसपी जी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक जो मेट्रो से सफर करने का फैसला है वो भी उनका स्ट्रेटजी का पार्ट है, सुरक्षा का पार्ट है, इसीलिए प्रधानमंत्री मेट्रो से जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण समझने बहुत जरूरी है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो चाहते हैं कि आम लोगों को कोई समस्या ना हो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो उस रोड को कम से कम 10 मिनट पहले उससे करीब 5 किलोमीटर तक की सारे रूट को बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक उस रोड पे नहीं रहता। ऐसे में यदि आप सोचिए कि 7 लोक कल्याण मार्ग से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का पूरा जो रोड है इंड टू इंड अगर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो इस देश की लाखों जनता यानी कि दिल्ली में रहने वाली लाखों जनता को कितना समस्या उठानी पड़ेगी और उसकी वजह से दिल्ली की कितनी सड़कें जाम हो जाएंगी, ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों की जो सहूलियत है उसको तरजीह दी है, उसको प्राथमिकता दी है, लोगों को दिक्कत ना हो, उन दिल्ली के लोगों को जो सड़क के जरिए सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है, अपने काम पर जाने की जल्दी होती है, तो किसी तरीके की दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, दिल्ली में कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल से सफर करना चुना है और इस समय मेट्रो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। और देखिए ना नीरज, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मौका भी मिल जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि आम लोगों से, आम जन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर सके। मेट्रो रेल में सफर और लोगों के मन की बात सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं पीएम मोदी। नीरज, इसीलिए तो रोमाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का नेता कहा गया है। जनता का नेता हमेशा जनता की बात समझता है, सुनता है और उनसे फीडबैक लेता है। इससे दोनों काम हो गए, एक तो देखिए दिल्ली वासियों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ा और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम लोगों से इंटरेक्ट
होकर उनसे फीडबैक लेने का मौका मिल गया। अब आप सोचिए कि जो लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में सफर कर रहे होंगे, घर जाके वो क्या बोलेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, अपने लोगों से क्या बताएंगे कि आज हमने प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो में सफर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौका मिला कि उनसे बात करके, उनसे संवाद लेके कि भाई मेट्रो का सफर कैसा है, देश की व्यवस्था कैसी चल रही है, इससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप अगर देखें, बहुत पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपनी प्रजा से जानने के लिए रात में भेष बदल कर जाया करते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, आम लोगों के बीच में रहा करते ताकि उनको फीडबैक मिले। तो कमोबेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये मोटिव रहता है कि लोगों से इंटरेक्ट भी हो, लोगों की समस्याओं को भी समझे और आम लोगों को कम से कम समस्या हो उनकी वजह से। यही रीजन है कि आज उन्होंने मेट्रो का सफर किया। अभी फिलहाल वो पहुंचने वाले हैं, अगले कुछ पल में उनके बाहर निकलने की तस्वीर आने वाली है और उस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ेगा कि जब वो मेट्रो से निकलेंगे तो उस समय भी लोगों से मिलते जुलते नहीं देखे, क्योंकि आप अगर शुरुआत की तस्वीर देखें तो मेट्रो के अंदर दाखिल हो रहे थे तब भी वो कॉमन लोगों से हाथ हिलाते हुए बाकायदा मिलते जुलते अंदर जा रहे थे मेट्रो में। बिल्कुल, और जब वो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपनी मेट्रो का, उस दौरान जो दूसरी मेट्रो वहां से गुजर रही थी, उन मेट्रो में जो यात्री सफर कर रहे थे ना नीरज, उनके चेहरों की खुशी देखकर ये समझ में आ रहा था कि कैसे वो हैरान है। और वो भाव वो वाला था कि हमारा तो दिन बन गया आज, कि हम अपने काम पर जा रहे हैं, रोज की तरह मेट्रो में सफर कर रहे हैं और लीजिए सामने मेट्रो स्टेशन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ जाते हैं। उस तरीके की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इस बीच नीरज पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, कैसे इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज जब इसी यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम पर शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये पल बेहद भावपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोभाव इस समय क्या होगा? रोमाना, बड़ा गौरव का क्षण है। आपसे बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्शन बहुत ही पुराना है और वो हमेशा एजुकेशन को लेकर तो उनका एक अलग ही उनकी सोच है, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पल में दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पहुंचने वाले हैं। आपको बता दूं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे थे रोमाना, तो बाकायदा उन्होंने टोकन खरीदा था, परचेज किया, उस टोकन का इस्तेमाल करके वो अंदर दाखिल हुए। और इनफैक्ट वही नहीं है, उनके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी बाकायदा टोकन परचेज किया और टोकन परचेज करके ही उन्होंने मेट्रो की सवारी की। तो एक तरह से आप देखें कॉमन पीपल्स का, यानी कि आम आदमी की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी व्यवस्थाओं का उन्होंने बिल्कुल पालन किया है, यानी कि कॉमन आदमी की तरह वो मेट्रो में दाखिल हुए, उन्होंने बाकायदा पे किया उसके लिए। तो ये एक किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि सबसे ताकतवर व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने लोगों के लिए उदाहरण भी पेश करे कि आप वीआईपी हैं लेकिन जो देश की व्यवस्थाएं हैं उनका पालन जरूर करिए। ये एक उनके व्यक्तित्व में झलकता है और उन्होंने इस व्यक्तित्व का परिचय भी दिया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचने वाले हैं, कुछ ही सेकंड में आपको मिलेगा कि वहां के नए विजुअल आपको दिखाई पड़ेंगे जब प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। जी, आपको एक जानकारी और भी जी दे दूं, ये पहले से कोई प्लान नहीं था कि वो मेट्रो के सफर करेंगे। वो आज सुबह ही जब प्रधानमंत्री ने पूछा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कि हमें वहां तक जाना है, क्या किस तरह चलेंगे, तो उन्होंने कहा बाई रोड चलेंगे, कैसे कैसे चलेंगे और कितनी देर में हम वहां पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि पूछा कि हमारा अल्टरनेट क्या हो सकता है, तो सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हम मेट्रो के जरिए भी जा सकते हैं वहां तक, तो उन्होंने मेट्रो को चुना। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ नीरज, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मैं मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सवारी पर, उनका अपना ट्वीट, दिल्ली मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, ये पीएम मोदी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। आगे लिखते हैं, मेट्रो में युवाओं से संवाद करके खुशी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार मेट्रो में जो सहयात्री, जो युवा मौजूद, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद चल रहा था।
और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ही मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो रेल से सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं, ये खबर अब तक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी होगी, वहां पर किस तरीके का उत्साह है वरुण? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने हैं, होना था शताब्दी कार्यक्रम को, तो सुबह से ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट से वो बेहद टाइट थे, क्योंकि अब मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं तो रोमाना थोड़ी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पुलिस ने जो खालसा कॉलेज की रेड लाइट है वहीं से ही बैरिकेड्स को लगा दिया है। अगर दूसरी तरफ की बात करूँ तो सिविल लाइन पर ही ट्रैफिक को रिंग रोड पर पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी रिंग रोड का जितना भी ट्रैफिक है वो अब क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर डाइवर्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर एक जाम की जो स्थिति है वो फिलहाल बन गई है। कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें वो छात्रों को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज का जरा रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए इतनी देर से आप और मैं जो बात कर रहे हैं ना कि साहब अगर लंबा रूट लगता, मतलब सात लोक कल्याण मार्ग से लेकर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, तो जरा सोचिए ट्रैफिक का आलम क्या होता। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस जब मेट्रो स्टेशन से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक अंदर जाएंगे वहीं पर अभी से वो ट्रैफिक वाली समस्या आने लगी है, इसी का जिक्र नीरज आप भी कर रहे थे। और इसी को देखते हुए, नजर में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सड़क गाड़ी से जाने की बजाय मेट्रो रेल के जरिए सफर करना चुना गया। नीरज, अब देखिए रोमाना की महज थोड़ा सा सफर है, मात्र 1 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से लेकर दीक्षांत समारोह सभा स्थल तक के बीच का जो दायरा है करीब 800-900 मीटर के आसपास का है, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम का है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है, जब भी कभी प्रधानमंत्री को कहीं से कहीं सफर करना होता है, इंड टू इंड सैनिटाइज करना पड़ता है, तो अभी जब मेट्रो से निकलेंगे तो वहां से लेकर और दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत सभागार तक पूरा इंड टू इंड सैनिटाइज कर दिया गया, तो आप सोचिए कि मात्र 1 किलोमीटर से भी कम का जो दायरा है उसको सैनिटाइज करने में कितनी समस्याएं हो रही है और लोगों को कितना समस्या उठाना पड़ रहा है, यानी उसके आसपास के सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए होंगे और कम से कम वहां पर इस समय 200 से 300 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होंगे जो बकायदा उस रास्ते को सैनिटाइज कर रहे होंगे और लोगों को रोक रहे होंगे कि वहां उस तरफ ना जाएं। तो आप सोचिए महज 1 किलोमीटर के दायरे में जब इतनी समस्या लोगों को उठानी पड़ रही है, तो लोक कल्याण मार्ग से अगर दिल्ली विश्वविद्यालय जो करीब करीब 15 किलोमीटर का सफर है अगर वो जाते तो कितने रास्ते सैनिटाइज करने पड़ते, क्योंकि एंड टू एंड सैनिटाइज करना होता है, तो कितने लोगों को समस्याएं उठानी भी। उस समय जब ऑफिस टाइम है, यानी कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का जो सफर होता है, 9 बजे से 12 बजे के बीच का, बहुत ही हैक्टिक रहता है, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर जाना होता है, अपने काम पे जाना होता है, स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज और स्कूल जाना होता है, हमको आपको भी अपने काम के लिए निकलना होता है, तो बहुत सारे लोगों को जरूरी चीजों के लिए निकलना होता है। जरा सा आपको रोकूंगी नीरज पांडे, तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितना मैं इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रही हूं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, वहां पर जो छात्र छात्राएं और ये अलग अलग देशों के छात्र छात्राएं, इनमें कुछ लग रहा है मुझे जो यहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर की, ये तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर की तस्वीरें हैं। मैं आपको बता दूं रोमाना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर साउथ एशिया के तमाम देशों के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, आपका चीन, भूटान, वर्मा, मतलब आसपास के आप देखें तो बहुत सारे देशों के बच्चे बकायदा ईरान, इराक, स्कॉलरशिप में भी पढ़ने आते हैं। ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत सरकार चलाता है और हर साल करीब 300 ऐसे बच्चे, विदेशी बच्चे, जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए वहाँ उन देशों के बच्चों को भारत में शिक्षा दी जाती है, ग्रेजुएशन की में दाखिला दिया जाता है, और उसकी बाकायदा जो व्यवस्था है वो भारत सरकार का एक विंग है वो करता है। तो ये आप समझिए दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल
सैकड़ों बच्चे विदेश के बच्चे पढ़ते हैं और भारत की संस्कृति को समझते भी हैं। इससे ये क्योंकि सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी दूसरे देश का बच्चा हमारे देश में आएगा और खासकर मुस्लिम कंट्रीज के बच्चे जब भारत में आएंगे और यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखेंगे तो अपने देश में जाके ये बात कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, कैसे। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना उसके लिए वो शब्द होता है ना कल्चरल एम्बेसडर्स, एक तरीके से बनकर लौटेंगे अपने देशों में। ये छात्र जिस बारे में जानकारी नीरज पांडे दे रहे हैं कि साहब एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुनिया भर से बच्चे पहुंचते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और इस वक्त उन्हीं दूसरे देशों से आए छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, तो ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं छात्राओं के साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद चल रहा है और देखिए कितने सहज सरल अंदाज में यहां पर सभी से बात करते हुए छात्रों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमेशा एक अलग सी ऊर्जा नजर आती है। बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव वो भी हमेशा देखा जाता रहा है और ऐसे में जब भी युवाओं के बीच छात्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो उनकी तरफ से कहा भी जाता है कि यही छात्र यही युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं और ऐसे में उनसे संवाद करना हमेशा एक नई ऊर्जा भर देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। चाहे वो बोर्ड एग्जाम से पहले मोदी सर की क्लास हो या फिर कोई भी मौका छात्रों से संवाद करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा मौका हाथ से निकलने नहीं देते। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस में बनने वाला एक अकेडमिक ब्लॉक है उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखनी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुनिया के अलग अलग देशों से जो छात्र छात्राएं पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं उनसे मुलाकात की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वहां मौजूद स्टाफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। जी नीरज, बात कही कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एम्बेसडर का आपने जिक्र किया, दरअसल ये एक प्रोग्राम है भारत सरकार का जो हर साल करीब 300 ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक विंग है जिसको कहते हैं CCRT, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता है और उस प्रोग्राम के तहत हर साल ऐसे तमाम देश हैं दुनिया के जहाँ के बच्चों को भारत सरकार एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यहाँ पढ़ाई कराता है, यहाँ शिक्षा देता है और दिल्ली में वो बाकायदा उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है और ये एक प्रोग्राम के तहत है ताकि वो हमारे कंट्री को, हमारे देश को समझ सके, हमारे देश की व्यवस्था को समझ सके, कल्चरल व्यवस्था को समझ सके कि हमारा देश कितना डेमोक्रेटिक है और देश में कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, ये जानकारी सामने निकल कर आई है। कल गृहमंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी जिसमें माना जा रहा है रूपरेखा तय कर ली गई है कैबिनेट विस्तार की। जानकारी क्या सामने निकल कर आ रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं, जानते हैं सीधे। रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद है। रौनक, क्या अपडेट मिल रहा है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, कैबिनेट विस्तार में क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, अब के तौर पर पिछले कई दिनों से जो विधायक है खासतौर से एकनाथ शिंदे विधायक उनके साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आए थे, मुख्यमंत्री से कह रहे थे कि यहाँ पर कैबिनेट विस्तार होना चाहिए। फिलहाल रोमाना मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो 42 मंत्री इस सरकार में हो सकते हैं लेकिन मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मिलाकर केवल 20 ही मंत्री जो है वो काम कर रहे हैं। एक भी राज्य मंत्री यहाँ पर फिलहाल नहीं बनाया गया है, लिहाजा कई मंत्रियों के पास दो तीन पोर्टफोलियो है। ऐसे में अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा, एकनाथ शिंदे अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। अमित शाह जो गृह मंत्री केंद्रीय उनसे लगभग इस पूरे मामले को लेकर अच्छे खासी बातचीत हुई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर ये बातचीत हो सकती है लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र को लेकर ग्रीन सिग्नल अमित शाह ने दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में इस मंत्रिमंडल का विस्तार जुलाई के पहले हफ्ते में संभव। जब तक हम स्पीड पे काम नहीं करेंगे, होती है, चलती है, देखेंगे, करेंगे, दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। पूरा यूरोप जुदा हो चुका है, मेरे देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 65% जनसंख्या मेरी, बिलो 35।
आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पर हाथ रख करके पूरी दुनिया का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अलग अंदाज में मेट्रो रेल से सफर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह कार्यक्रम जिसका आगाज हो चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना शताब्दी वर्ष समारोह जरा सुनाते हैं आपको वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है। शताब्दी वर्ष में हमने अपने विश्वविद्यालय का कुलगीत आत्मार्पित किया है। हमारा कुलगीत विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य निष्ठा धृति सत्यम का उद्बोधन है। आप सबसे सादर अनुरोध है कि कुलगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तस्वीरें दिखा देते हैं सैलाब के सितम की। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो गुजरात से, गुजरात के नवसारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां सैलाब का सितम किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है वो तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नवसारी जहां भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश में गाड़ी देख कैसे डूब गई, ये तस्वीर आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, ये अंडरपास बना हुआ है और यहीं पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें पूरी गाड़ी डूब गई। कार सवार अंदाजा नहीं लगा पाया कि पानी की गहराई कितनी होगी और ऐसे में उसने गाड़ी अपनी इस सबवे में उतार दी, जिसकी वजह से देखिए जरा कैसी मुश्किल में ये पूरा परिवार यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है जो इस गाड़ी में सफर कर रहा था। गाड़ी में जो सवार थे अपनी जान बचाने के लिए वो ऊपर गाड़ी पर चढ़ते हुए, क्योंकि जो जल स्तर है, जो पानी का स्तर है वो यहां पर लगातार बढ़ रहा है। तो गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें हैं। गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए कार सवार, लेकिन मुश्किल और बढ़ती नजर आ रही थी। गाड़ी में लोग सवार थे और अचानक से गाड़ी जो है वो पानी में फंस गई थी। अब ये देखिए आप, ये जो तस्वीरें हैं इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस गाड़ी को खींचा गया। पीछे बचाव कर्मी मौजूद थे जिन्होंने रस्सी बांधकर इस गाड़ी को उस गहरे पानी से पीछे की तरफ खींचा। आप देख रहे हैं प्रशासनिक अमला जो मौके पर मौजूद और किसी तरीके से गाड़ी में सवार लोगों की जिंदगी बचा ली गई, वरना तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन किस तरीके से बड़ी गाड़ी से रस्सी बांधकर इस गाड़ी को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही थी। ये देखिए सिर्फ गाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है वही दिख रहा था और बाद में यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, रस्सी की मदद से गाड़ी को बाहर खींचा गया। आसमान से बरसती आफत, ताजा तस्वीरें गुजरात के नवसारी की जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से परिवार इस गाड़ी में सफर कर रहा था, एक महिला भी नजर आ रही है, एक युवती भी नजर आ रही थी और दो पुरुष। गनीमत यह कि सबकी जिंदगी बच गई और गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। अच्छा, उधर बिहार में भी मूसलाधार बारिश हुई, तमाम इंतजामों की पोल बिहार में भी खुल के रह गई। राजधानी पटना के कई इलाकों की हालत जरा देख लीजिए आप, पानी भरा हुआ है और सड़कों का हाल देखिए जरा, ये राजधानी पटना की सड़क है, बारिश में कैसे घुल गई, कैसे सड़क पर गड्ढे बन गए, तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये सड़कों का हाल है, बारिशें झेल नहीं पाती हैं सड़कें। बारिश में बिहार की सड़क की पोल खुल गई और जो गड्ढे यहां पर बने उसी में ये गाड़ी फंस गई थी, जिसे बाद में स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से निकाला गया। तो एक तरफ पानी का कहर है और ये रिहायशी इलाके पटना के देख रहे हैं आप, यहां पर कैसे जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहां पानी भरा हुआ है। लोगों को देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो मुख्य सड़कें हैं उनकी पोल बारिश खोल रही है, वो गले जा रही हैं, बहे जा रही हैं, गड्ढे बन रहे हैं उन सड़कों में और अंदर गलियों में, मोहल्लों में। यहां देखिए पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं और हर तरफ सड़कों पर, गलियों में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए इस वक्त इन मोहल्लों में रहने वाले लोगों को कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा होगा। ये देखिए ये हालत है बिहार की राजधानी पटना की, कहीं कहीं तो घुटनों घुटनों तक पानी आ गया। तो पटना की गलियां डूबी हुई हैं,
पटना में बारिश से सड़कें धस रही हैं, गड्ढे बन रहे हैं, सड़कें ऐसा लग रहा है जैसे घुलती चली जा रही हैं बारिश के इस पानी में, और नतीजा ये कि गाड़ियां फंस रही हैं। ये एक गाड़ी फंसी थी जिसको बाद में स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया, देख रहे हैं आप फंसी हुई कार जिसे बाद में स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त पटना से मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से अभी मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है, क्या अभी भी बारिश हो रही है पटना में, और कुछ प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया इस बदइंतजामी को लेकर शशांक? जी देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट है, 3 दिन तक पटना में बारिश होती रहेगी, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है, हर जगह जल जमाव की स्थिति है। पटना के बोरिंग कैनाल रोड में मैं हूँ, ये देखिए ये सड़क की स्थिति क्या है, भारी बारिश से सड़क धंस गई है, ये डंपर ट्रक जो है इसमें फंस चुकी है। देखिए आधा पोर्शन इसका सड़क के नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर पहले से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था लेकिन इस तरह का गड्ढा नहीं था, भारी बारिश के कारण जो है ये सड़क धंसी है और ये डंपर ट्रक अंदर फंसी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसको अभी भी जो है बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अगर यही स्थिति यहाँ पे रहेगी तो ये पूरी सड़क जो है नीचे की तरफ धंसेगी और ये डंपर ट्रक पलट जाएगी। यहाँ पे प्रशासन के तरफ से या नगर निगम के तरफ से एक भी व्यक्ति जो है वो नजर नहीं आया है, आपको हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है एबीपी न्यूज पे दिखा रहे हैं। चंद घंटों की बारिश में पटना के वीआईपी इलाकों की ये स्थिति है, आखिर मेंटेनेंस का काम पहले से क्यों नहीं होता, ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और बात करेंगे। भैया कैसे हुआ ये घटना? बरसात में भरा हुआ रोड है, गिर गया, मतलब पहले सड़क जो है आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा था लेकिन गाड़ी आगे बढ़ी तो सड़क धस गई। ये देखिए, ये जो शशांक हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं ना, जिस जगह शशांक मौजूद हैं, बोरिंग कैनाल रोड, ये पटना के वीवीआईपी इलाकों में गिनती होती है इस इलाके की, और उस वीवीआईपी इलाके का यह हाल आप देख रहे थे। और आइए अब आपको पानी के प्रचंड वेग विकराल धारा की तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें गुजरात के डांग से सामने आई है, डांग के गिरमल झरने की ये तस्वीरें। भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि आसपास का बड़ा इलाका डूब गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तो गुजरात के डांग जिले की ये तस्वीरें हैं। यहां पानी का बहाव इतना तेज कि काफी इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बाढ़ की स्थिति गुजरात के डांग में, ये आप देख रहे हैं झरने का पानी, और बारिशों की वजह से झरने में पानी का बहाव इतना तेज था कि जो निचले इलाके लगे हुए यहां पर वो सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात पर मौसम की मार पड़ रही है, भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। राजकोट से लेकर जूनागढ़, अरावली से लेकर सूरत, तापी तक संकट का अलार्म बज गया है। कहीं पर्यटक फंस गए हैं, कहीं डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। कई शहरों में जल जमाव ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। तस्वीरें आपके सामने, राजकोट, जूनागढ़, अरावली, सूरत, तापी।